जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैफ अली अरशद किंग। आप देख रहे हैं स्टार टॉक्स विद किंग। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट, यहां पर आई आवाम से जानते हैं ईद के हवाले से क्या जोश व खरोश है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मिलेगी मेरी लेटेस्ट अपलोड आपको सबसे पहले, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करके मेरा हौसला अफजाई करें। मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूँगा। जी इस वक्त बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल, यहाँ पर लिबर्टी मार्केट शॉपिंग करने आए हैं। इनसे जानते हैं इनको शॉपिंग करके कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है बिलाल? अल्लाह का शुक्र है। जी हमारे व्यूवर्स को बताएं कि यहाँ पर आप आए हैं, आपने ईद की शॉपिंग की है? जी की तो है, अभी थोड़ी सी की, अभी तो बाकी हो रहा है। जी रेट्स वगैरह कैसे हैं? हाई हैं? हाई, बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। क्या ऐसे इकदाम उठाए हुकूमत को चाहिए कि अवाम के लिए, जिसकी वजह से अवाम को सहूलत मिले? यार ये तो हम जब तक अपने खर्चे हमने खुद ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, जब तक हम लोग खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम आगे क्या कर सकते हैं। बाकी देखो अल्लाह मालिक सब सबके साथ ही है, बाकी अल्लाह खैर का इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। जी जिस तरह के आने वाले वक्त में अब खैर से एक दो दिन ही रह गए हैं ईद उल फितर आने में, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? आप सबको मेरी तरफ सबको ईद मुबारक, और सब खुश रहे और सब एंजॉय से ईद गुजारें। जी ये थे हमारे साथ नाज़रीन बिलाल, इनका कहना है कि ईद की खुशियां अपनों के साथ बांटी जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट, हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ साहब, इनसे जानते हैं ईद के हवाले से इनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सलाम जी सर, क्या हाल चाल है सर? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा का शुक्र अदा कर लें। जी हमारे व्यूवर्स को बताएं क्या आवाम को पैगाम देना चाहेंगे ईद के हवाले से। जी ईद के हवाले से ये पैगाम ये है, सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि हम लोग के जो अपने जो ईद ईद का नाम है, ईद का नाम है ये जब खुशी का नाम है ईद है, और खुशियों को हम अपने जो हमसे हम अगर हम लोग समझते हैं कि ये लोग दोस्त जो हमारे इर्द गिर्द रिश्तेदार लाइक हम समझते कि हमारे को रिश्तेदार ही समझते जो इतने अफोर्डेबल नहीं है कोई चीज़ अच्छी चीज़ को परचेज करने के लिए, हमें चाहिए कि किसी दोस्त को किसी एक दोस्त को ज़्यादा नहीं कहते, किसी एक दोस्त की मदद कर दें, एक फैमिली की मदद कर दें, ये नहीं कि फलां फैमिली को भी दे दो उसको भी दे दो, नहीं एक दो फैमिली को आप देख लें कि जिसको आप पिक करना है कि ये फैमिली को इस फैमिली को अगर हम थोड़ी सी मदद करेंगे तो इनका दिल अच्छा गुजर जाएगा, इससे अपना दिल भी खुश होगा और जो जो ऊपर बैठा रब बैठा है वो भी खुश होगा। जी सुभान अल्लाह। जी सुना जिस तरह के नाज़रीन आपकी, हमारे व्यूवर्स का भी यही कहना है कि अपनी खुशियों में अपने प्यारों को मत भूलिएगा, ये गिला शिकवा दिल से मिटाएं और ईद की खुशियों में अपने प्यारों को ईद से गले मिलें। जी नाज़रीन ये लिबर्टी मार्केट आई हुई आवाम की राय, इसी के साथ अपने होस्ट सैफ अली अरशद किंग को इजाज़त दीजिए, मेरी और मेरी पूरी चैनल की टीम से आप सबको ईद मुबारक।